हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आज बात करेंगे हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे मार्केट का ओवरव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। तो हम अब बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। एक जनरल क्वेरी आया था मेरे पास में कि इन दोनों के बीच का फर्क और इन दोनों के बीच का बिजनेस मॉडल हमको समझाइए लॉन्गेटिविटी के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि समझो, पहले मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो फ्लक्चुएटेड बिजनेस है। मतलब ये साल कस्टमर उस कंपनी के साथ में है, अगले साल ना भी हो। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो एक स्टेबल बिजनेस है कि एक बार आपने कस्टमर को अक्वायर कर लिया तो वो जितना उसका टर्म होता है 30 40 साल 45 ईयर्स, तब तक वो आपको पेमेंट करता रहता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा। अब इसमें किस तरीके से एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि HDFC अर्गो से 6,000 रुपये में अगर कार का इंश्योरेंस करवाया, जब वो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल होने आता है तो उससे थोड़े से ज्यादा बेनिफिट ICICI लोम्बार्ड मुझे 4,800 रुपये में दे रही है। तो बट ऑब्वियस है, बीइंग अ पर्सन, मैं 1,200 रुपये बचाने के लिए ICICI लोम्बार्ड में मैं स्विच हो जाऊंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी का कोई भी यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके सामने हम आते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, मैंने 23 25 ईयर्स की एज में मतलब पॉलिसी ली, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। मुझे कंपनी ने समझो मेरे सैलरी के हिसाब से मुझे 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का मुझे टर्म, मतलब मुझे लाइफ का कवर मिल गया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरे फैमिली मेंबर को इतना पैसा मिल सकता है इस तरीके से। अब वो फिक्स हो गया कि मुझे हर साल 15,000 17,000 20,000 22,000 इस तरीके से मुझे भरना है, वन टाइम फिक्स हो गया। अब होता क्या है कि जनरल इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस की कंपनीज बदल सकते हो हर साल, ठीक है, कि मुझे ये साल ये 6,000 में ये बेनिफिट दे रहा है तो अगले साल मैं रिन्यू करने बैठा तो मुझे 4,000 रुपये या 4,500 में दूसरी कंपनी ये बेनिफिट दे रही है जो इससे अच्छी और सस्ती है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली कस्टमर उसमें स्विच हो जाता है। पर लाइफ इंश्योरेंस में एक बार पॉलिसी ले लिया तो उसको 40 साल तक पेमेंट करना पड़ता है। मतलब एक बार आपने क्लाइंट अक्वायर किया वो आपको 40 साल तक रेवेन्यू देगा, 40 ईयर्स लॉन्ग टर्म बिजनेस। अब टर्म इंश्योरेंस, खुद लोग बोलेंगे टर्म इंश्योरेंस भी स्विच हो सकता है, हो सकता है, पर आपका एज बढ़ेगा तो आप कस्टमर ने समझो 22 23 24 साल में, 24 साल में उसने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, अब नेक्स्ट ईयर जब भरने का है तो वो सोचता है मैं स्विच हो जाऊं, तो उसका क्या होगा, जो समझो 17 18 हजार या 19 हजार का उसका जो प्रीमियम होगा वो बढ़ के 20 हजार या 22 हजार हो जाएगा। तो इसलिए क्या टर्म इंश्योरेंस में लोग स्विच नहीं करते। आप देखिएगा, टर्म इंश्योरेंस अगर आपका भी चल रहा है, एक एज के बाद में आप लेने जाओगे तो आपका प्रीमियम बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें ऐसा है कि एक बार आपने कस्टमर अक्वायर कर लिया वो आपको 40 साल तक, 30 35 40 ईयर्स तक आपको रेवेन्यू देने वाला है, मतलब इनकम देने वाला है, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस में क्या है, फ्लक्चुएटेड बिजनेस है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। आज बात करेंगे ICICI प्रूडेंशियल की। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जो भी है सब मेरे पर्सनल व्यू रहता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड जो है फाइनेंस एडवाइजर है उनकी सलाह ले सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट ICICI प्रूडेंशियल बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 572 लास्ट क्लोजिंग है आज का, आज डेट हुई है 11 मई 2021। एटलीस्ट 3 से 4 महीने या 6 महीने मुझे 800 850 900 रुपये इतना लग रहा है कि इतना अपसाइड ये दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो इस पे बनाया है मैंने। होगा आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है उन सॉरी उन सब के बीच का डिफरेंस मैंने क्लियर किया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग, थोड़े से लोग, सॉरी नॉट बहुत सारे, थोड़े से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं मार्केट पे। मार्केट वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जब
खत्म हुआ था, जी रिजल्ट आए थे, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें क्लियर कट बोला था, जो हो गया उसको भूल जाओ, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा 9 तारीख तक। 14,303, 14,400 निफ्टी घूम रहा था, वहां से निकल के 15,000 आ गया। अब लोगों को 14,000 पे, 14,400 पे 14,000 लग रहा था, 15,000 आ गया तो लोगों को 15,500 लग रहा है। अब फिर उसके बाद भी मैंने उस वीडियो में ये बात की थी कि 9 मई 2021 से लेके 23rd of May 2021 के बीच में छोटा सा एक करेक्शन वापस से आएगा, ठीक है, और उसके बाद में एक रैली शुरू हो जाएगी जो निफ्टी को 16,000 के पास में ले जाएगी। आप वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो बार बार वापस से एक बार देखिएगा, देखा है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। जो भी प्रिडिक्शन होते हैं या जो भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे ट्रेड दिए जाते हैं, जो व्यू दिए जाते हैं, बेस्ड ऑन टोटली एंड टोटली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ना कोई टेक्निकल है ना कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी, इस तरीके से। तो बात करेंगे अब शेयर, बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में बेसिकली जो मैंने बात किया था 9 तारीख से, तो आप देख सकते हैं 9 तारीख से उथल पुथल शुरू हो चुकी है, मतलब आज 11 हो चुकी है। लास्ट 2 दिन में आप देखिए डाउ जोन्स 35,000 वाला 34,000 आ गया फ्यूचर, तो 3% तो वहां भी करेक्शन शुरू हो चुके हैं। तो 23 तारीख तक ये थोड़ा इनका चलता रहेगा। उसके साथ साथ क्या हम भी थोड़े से बीमार हैं कोरोना की वजह से, तो हमारा भी थोड़ा मूड माहौल थोड़ा सा मतलब डाउ भैया खराब करते रहेंगे इस तरीके से। कुछ भी क्वेरी हो, कोई कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी स्टॉक रिलेटेड आपको पूछना हो या कुछ भी हो, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट्स में रिप्लाई देता हूँ। इमीडिएट बेसिस से नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम करके रिप्लाई देता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगेन आपको बता रहा हूँ, 23-24 तारीख के आसपास करेक्शन रहेगा, मतलब तब तक करेक्शन रहेगा, उसके बाद में अच्छा अपट्रेंड शुरू हो जाएगा। इस रैली को मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाऊंगा 25 या 27 मई के आसपास, या तो फिर 16,000 के पास में निपटी आ जाएगा, तभी सोच रहा हूँ मैं, तभी एक अगला वीडियो बनाऊँ, उसके पहले वीडियो ही ना बनाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बना वीडियो बना 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 करूँ। क्योंकि मैंने सबसे पहला जो मेरे लाइफ का इसने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल में कभी कोई ज्वाइन का बटन नहीं होगा, ना ही हम किसी से कोई भी 1 रुपए का चार्ज करेंगे, हम कभी भी कोई चार्ज नहीं करेंगे, ना ही हमारे यूट्यूब में कभी भी, अभी नहीं कभी भी ज्वाइन का बटन नहीं होगा। हम चाहते ही नहीं है कि लोग, हम चाहते हैं कि लोग अच्छे से पैसा कमाएं स्टॉक मार्केट से, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ी बहुत क्वेरीज आती है इनबॉक्स में इस तरीके से। इसके आगे अगर कुछ आपके पास में भी कुछ स्टॉक का क्वेरी या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ऐसे पोटेंशियल टॉपिक में रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स है, वॉकआउट फार्मा इन्वेस्टमेंट के लिए रखिएगा, एंड ऐसे ऐसे पोटेंशियल हो गया, वॉकआउट हो गया, फिर एक वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज है वो हो गया, बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस का किसी ने पूछा, बजाज फाइनेंस 5200 से अभी 5400 है, 5200 से 5400, सॉरी 5000, 5200 से 5000 के बीच में आए तब आप उसको बाय करिएगा 6000 के टारगेट के लिए, ठीक है। और यस ग्लेनमार्क फार्मा है, उसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री है 3300 के टारगेट के लिए, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 4-5 स्टॉक बता रहा हूँ ऐसे ऐसे पोटेंशियल, 800-850 के लिए, फिर ग्लेनमार्क फार्मा एटलीस्ट 900 रुपए के लिए, अभी 625-620 रुपए है, प्लस आपको बता रहा हूँ पीआई इंडस्ट्री अभी 2700 रुपए और 3300 के लिए, वॉकआउट फार्मा एटलीस्ट 1000 के लिए अभी 620 रुपए है, तो ये वाड़ीलाल इंडस्ट्री अभी 1000 रुपए हो 1200 के लिए, 1200 से 1500 के लिए, तो ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगा, एक बार निफ्टी अच्छे से चल जाए।
उसके बाद में वीडियो को वापस एक बार देखिएगा, पुराने वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जान है तो जहान है, इस तरीके की अभी बात चल रही है हर जगह, यही अभी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।